कर्म योग नामक तीसरा अध्याय। इस अध्याय में 43 श्लोक हैं। श्लोक 1 से 8 तक ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण। श्लोक 9 से 16 तक यज्ञ आदि कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण। श्लोक 17 से 24 तक ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्म करने की आवश्यकता, और 25 से 35 तक अज्ञानी और ज्ञानवान पुरुष के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने का विषय, और 36 से 43 तक काम के निरोध का विषय। और अब तीसरा अध्याय विस्तार से। अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ माने है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते तथा आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हो। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। इस प्रकार के अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है, तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निसंदेह सब के सब पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हट से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। और हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के नित्य किए हुए कर्म के सिवाय अन्य कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म को भली प्रकार आचरण कर, तथा कर्म ना करने में तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला हुए, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वो देवता लोग तुम लोगों को सब प्रकार से मदद करें अब इन उन्नति करने में। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो। यदि
यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे, उनके द्वारा दिए हुए भोगों को। जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है वह निश्चय चोर है, कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूट जाते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वो तो पाप को ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्मों के उत्पन्न करने वाला है। यदि उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान तथा वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो पुरुष आत्मा में ही प्रीति वाला है और आत्मा में ही तृप्त है तथा आत्मा में ही संतोष होवे, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं रहता, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष के लिए किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और ना किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इस संपूर्ण भूतों में कुछ का स्वार्थ भी संबंध नहीं होता, तो भी उसके द्वारा केवल लोकार्थ कर्म किए जाते हैं। इससे तू अनासक्त हुआ नित्य कर्म को कर्तव्य समझकर अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए, इसलिए लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने के ही योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उस उसके अनुसार ही बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग भी उसके अनुसार बरतते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म तो करता ही, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतूं तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार ही बरतते हैं, अर्थात बरतने लग जाएंगे, तथा यदि मैं कर्म ना करूं तो यह सब लोक भ्रष्ट हो जाए और मैं वरण संकर का होने वाला हूं, तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं तथा मारने वाला बनूं। इसलिए हे भरत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। और हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुआ अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूं ऐसे मान लेता है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष
संपूर्ण गुण ही गुणों में बढ़ते हैं, ऐसा मानकर कभी आसक्त नहीं होता। और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला पुरुष चलायमान न करे। इसलिए अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। और यदि अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित तथा श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते या और जो बरतते हैं वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। सो इसी प्रकार बरतना चाहिए जो मैंने तुम्हें बताया है। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हुए चित्त वाला तू कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों को के भोगों को स्थित, उसमें स्थित जो राग और द्वेष है उन दोनों के वश में ना हुए, क्योंकि इसके वो दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म तो भय को देने वाला होता है। इस पर अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात्कार के लगाए हुए सदृश्य को ना चाहता हुआ भी किस से प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। यही महान अशद अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में तू इसको ही बैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका रहता है, जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी से ज्ञान ढका हुआ है तथा इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। और ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझता है कि इंद्रियों को रोककर काम रूप बैरी को मारने में मेरी शक्ति नहीं है तो यह तेरी भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को परे बोला जाता है, श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे अत्यंत परे है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म और सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपनी आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, अपनी शक्ति को समझकर तू इस दुर्जय काम रूप को मार। ओम तत्सदिति
श्रीमद् भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत।